श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय सियाराम जय रघुराम जय श्री राम। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश सुनी प्रभुपद रति उपजई जाते मिटई कलेश। श्री काकभूषण जी रामचरित मानस के वक्ताओं में से तो भगवान शंकर से दीक्षित वक्ता हैं। स्वयं भगवान शंकर ने उनको दीक्षा दी थी। ते पुनिकाग वसुंडी दीना, ये भगवान का उनको दर्शन प्राप्त था। भगवान शंकर से तो दीक्षित ही हैं, तो वो अब अपनी आत्मकथा कहने जा रहे हैं। फलश्रुति ये बताई, सुनी प्रभुपद रति उपजई। अगर इस कथा को कोई सुने, वैसे तो उनकी आत्मकथा है हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि इसको अगर आप सुनेंगे तो रति कहाँ उपजेगी भगवान में। सुनी प्रभु पद रति उपजई। कल हम लोग बात कर रहे थे जीवन में इस बात को ढूंढना खोजना, ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर तो हमारी रति कहाँ है। ये निर्णय इस तरह के समझ लें कि जिसकी जहाँ रति है असल में उसकी स्थिति वही है। हम चाहे भगवान का नाम लें लेकिन प्रेम अगर विषय से है तो फिर हमारी स्थिति विषय में ही है, भगवान में नहीं है।
भगवान के सामने जाते हैं तो मानो आदेश देते हैं, भगवान ऐसा कर दो, अच्छा जल्दी कर दो, 2 महीने में हो जाए, और होए तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा हो जाए। तो अब ये जो है भगवान को आदेश दिया जा रहा है या उनसे मांगा जा रहा है, मांगा भी जा रहा है तो वो भगवान को साधन बनाया जा रहा है, साध्य नहीं। बड़े बड़े दर्शनों में भी भगवान साध्य नहीं है। योग दर्शन में भगवान साध्य नहीं है। जिन लोगों को दर्शन का थोड़ा बहुत समझ है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए, योग दर्शन का लक्ष्य है समाधि। तदा दृष्टस्वरूपे अवस्थानम्, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। उस निरोध से क्या होगा? बोले तदा दृष्टस्वरूपे अवस्थानम्। ये नहीं कहा भगवत स्वरूप अवस्थानम्। इन बातों को धीरे धीरे पकड़ते जाना है। इसलिए योग दर्शन अपनी जगह पर है और उसका अभ्यास थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन इस सत्य को भी जाने रहना चाहिए। हमारे दर्शन प्रस्थानों में तो साध्य के रूप में ईश्वर को, ईश्वर का वर्णन करना ये सभी के वश का नहीं है। साधन के रूप में भी सभी लोग वर्णन नहीं करते। सांख्य दर्शन वर्णन नहीं करता साधन के रूप में भी, मीमांसा इस तरह का वर्णन नहीं करता, जैन नहीं करता, बौद्ध नहीं करता, चार्वाक नहीं करता। माने आप समझ लें हम विद्यार्थियों को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पढ़ाता बहुत कम हूँ, समय नहीं देता, तो शायद ये भगवान ने इसलिए निमित्त बना दिया कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, आप चलो वहाँ बैठो और कुछ बताओ। तो प्रवचन में वो दृष्टिकोण हमेशा रहेगा, तो उसको आप लोग ज़रा ध्यान से धारण कर लेना। इतने दर्शन हैं, साध्य तो छोड़ो, उसका साधन भी भगवान नहीं, न साधन न साध्य। तो अब फिर उनका साध्य क्या होगा और साधन क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तो हमारे यहाँ तो बहुत गंभीर मीमांसाएँ हैं इन प्रश्नों पर, तो अभी नहीं, यहाँ वो मौका नहीं है। यहाँ कहते हैं, ये निर्णय सुना दिया उन्होंने, रति ही साध्य है। किस में रति? सुनि प्रभु पद रति उपजई। तो अगर काकभूषुंडी जी के जीवन चरित्र को कोई साधक श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक वरण पूर्वक श्रवण करे तो उसके जीवन में भगवान के चरणों में रति की उत्पत्ति हो जाएगी। कल हमने ये बात कही थी, अगर रति की उत्पत्ति हो गई तो फिर विचलन नहीं होगा। क्योंकि आदमी की जहाँ रति होती है वो वहाँ जाता है, चाहे वो निषिद्ध हो चाहे वो विहित हो। अगर रति है कहीं पर तो निषिद्ध होने पर भी उसी जगह पर मन जाएगा, और अगर विहित में रति हो गई तो आप समझो कि फिर उसी जगह मन जाएगा। न्यायालय से
के रोकने से समाज में बुराइयां रुक जाएंगी, ऐसा तो अभी देखा नहीं गया। ठीक है ना, पुलिस के रोकने से बुराइयां रुक जाएंगी, ऐसा अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा। कोई तरीका ही नहीं है कि समाज की बुराई रुक जाए। सारे समाज की बुराई तो केवल एक समय में रुकी थी, एक समय में रुकी थी, उसका नाम है राम राज्य। सवनर करहि परस्पर प्रीति, यह घटना और कभी किसी लोक में नहीं हुई। मैंने त्रिलोक की बात कर रहा हूं। जब प्रभु रामचंद्र प्रभु के राज्य की प्रतिष्ठा हुई, श्री अयोध्या राजधानी बनी, केवल वही एक समय है जब वैर न कर काहू सन कोई। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ते ही रहते हैं, ऐसी घटना कहीं कभी नहीं घटी। अब यहाँ तक कि भगवान राम ही जब कृष्ण बन के आए तो भी नहीं घटी। बड़ी मुश्किल है, पहले तो कौरव पांडवों में इतनी कस के लड़ाई कराई और फिर अपने वंश वालों को ही जय सीताराम आपस में ही लड़ गए। इतने कस के लड़े कि भगवान गए छुड़ाने तो उनको भी दौड़ा लिया। ये भागवत में है, ये तो केवल अभूतपूर्व अकेली इकलौती घटना है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खो गई, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अभूतपूर्व और इकलौती घटना है, अन्यथा तो समाज में सब चलता ही रहता है। वो स्वामी जी ने बोल दिया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ये तो दुनिया ही ऐसी बनी है गुण दोषमय, यहाँ जड़ता भी है चेतन भी है, गुण भी है दोष भी है, सब मिश्रित है। लेकिन ध्यान रखना, उस अपवाद को याद रखना, प्रभु राम के राज्य में ये मिश्रित विसरित कुछ नहीं था, सकल परम गति के अधिकारी। राम जी के राज्य की महिमा क्या है? सकल परम गति के अधिकारी, ये तो सारे के सारे लोग, सारा का सारा समाज परम गति के अधिकारी हो गए हैं। यहाँ कब से कहा जा रहा है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। अब फिर हम तौलते हैं कि हमारी क्या हाल है तो ऐसे ही है लेकिन हमारे राम जी ने ऐसा कर दिया। अच्छा भाई नहीं तो दुनिया ऐसे रहती है, उसमें जो अविचल स्थिति व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है उसका एकमात्र हेतु है रति कहाँ है, उसको पकड़ के रखना चाहिए। मेरी रस बुद्धि कहाँ है, मेरा रमण कहाँ होता है, बस। और वो कैसे होवे कि प्रभु में रमण होवे, तो कागो सुंड जी तो बोलते हैं, सोनी प्रभु पद रति उपजई।
माने आप काकभुसुंडी जी कह लो, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं भगवान के भक्त का चरित्र सुनते सुनते भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो इसमें दो स्टेप्स हैं। पहला तो यही है कि ये समझा जाए कि प्रभु में रति बहुत कीमती चीज़ है। बहुत नहीं, सबसे कीमती चीज़ है। ये एक स्टेप है। और दूसरा ये कि वो होती कैसी है, कैसे होगी। जीवन में ये सिद्ध माने निर्णय हो जाए कि मेरा साध्य रति है। नचिकेता की तरह निर्णय हो जाए। हाँ, क्या निर्णय था उनका? हाँ, वरस्तु में वरणीय स एव। ऐसा एक बार पक्का हो जाए। और फिर वो कैसे होगा, इसकी ठीक ठीक खोज होनी चाहिए। शास्त्रों में जो हमको सहारा मिलता है उसमें तो यही कहा, प्रथम भगति। अब देखो ये हेतु है, उसका फल है रति। हेतु क्या है? प्रथम भगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। और एकदम से दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसर रति। बन गया ना? देख लो, अगर हेतु उपस्थित नहीं हुआ तो फल की सिद्धि कैसे? माने हेतु को हम उत्पन्न न करें, हेतु का अभ्यास न करें और चाहें कि फल मिल जाए, ये तो कभी नहीं होगा। मानस की ही पंक्ति मैंने बोल दी, प्रथम भगति संतन कर संगा, ये हेतु है। दूसर रति मम, अब मुझ में नहीं कथा में रति, ये दूसरा हेतु है। हेतु पर हेतु है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। फिर आगे चलते जाते हैं, नवदा भक्ति का वर्णन आता है। लेकिन साधक बुद्धि बना के रखो तो धारणा बनी रहनी चाहिए कि कौन हेतु बनता है। पहला हेतु कौन है? ठीक है, आप लोग नवदा भक्ति भागवत वाली भी शायद सुना हो, और लोगों ने सुना होगा। पहला है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम। प्रथम है श्रवणम। तो ये हेतु फलात्मक जो स्थिति है, हेतु फलात्मक साध्य साधनात्मक, यह जो स्थिति है इसको ध्यान से नहीं पकड़ा जाए और हम ऐसे ही अटरम पटरम कुछ कुछ करते रहें या नहीं करते रहें तो वो जीवन बीत जाता है। ऐसे होता हुआ था नहीं कुछ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा भाई, तो सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। अच्छा, अब बोलते हैं कि देखो भाई, साधन करना चाहिए तो युग के अनुसार साधन करो। अब ये दूसरा विषय ले रहे हैं। इस बात को बताने के लिए एक बहुत अच्छी प्रस्तुति करी है काकभुसुंडी जी ने। कहा चार युग होते हैं, है ना? कृत युग, सब योगी विज्ञानी मिला, यह है 102 दोहे के बाद की पंक्ति है। युगों का धर्म बता रहे हैं, ये सीखना है। ग्रंथ होए तो फिर ज़्यादा लाभ होगा, अब नहीं होगा तो उस हिसाब से ही
लाभानी उसी हिसाब से होती है, क्योंकि हमारा ढंग ही है पंक्ति के आधार पर, पंक्ति लगाना है, लगनी चाहिए। क्या बोलते हैं, एक युग है कृत युग, कृत युग का मतलब होता है सत्ययुग। अगर कोई सत्ययुग में है तो उस युग में रहने वाले लोग सारे के सारे लोग योगी होते हैं, विज्ञानी होते हैं। देखो कृतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान, माने सत्ययुग में साधना क्या है, ध्यान। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, बस अगर जिसके पास है वो बहुत ध्यान से इसको पकड़े रहे। अब आया त्रेता युग, त्रेता का साधन ध्यान नहीं है, ये भेद हो गया, बारीकी हो गई। क्या बोल रहे हैं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता में जो साधन है वो नाना प्रकार के यज्ञ हैं। विश्वामित्र जी को ही देखो, यज्ञ ही करते थे। वशिष्ठ जी तो इतने बड़े याज्ञिक थे कि जब वो बारात में जा रहे थे तब भी अपना हवन कुंड ये सब साथ लेके चलते थे, जब भरत जी को मनाने जा रहे थे तब भी साथ में लेके चलते थे। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, और यज्ञ करके उसका फल स्वयं नहीं चाहते थे, हाँ? माने फल को अपनी ओर नहीं खींचते थे, फल प्रभु को समर्पित करते थे। ये वाक्य देखो क्या लिखते हैं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं प्रभु ही समर्पी। क्या मतलब हुआ कि अगर समर्पण नहीं किया तो वो फल नहीं मिलेगा, फिर वो साधना वाली स्थिति नहीं बनेगी। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, ये जरूरी है, पंक्ति छोटी सी है लेकिन सारे शास्त्रों से मिलके है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहीं। अब तीसरा या द्वापर, द्वापर करि रघुपति पद पूजा। हम देखो यज्ञ नहीं, अगर कोई द्वापर युग में है तो साधना क्या बनेगी, पूजा प्रधान, पूजा की प्रधानता हो जाएगी। द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहीं, तो लोग भाव को निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। बोले क्या द्वापर में ध्यान करने से नहीं तरते, यज्ञ करने से नहीं तरते? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, उपायन दूजा। ये देख लो, अब इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये जो सामूहिक मेडिटेशन क्लास, माने सभी लोग सत्ययुगी हों तब ना, त्रेता, अरे भाई त्रेता का अधिकार भी तो होना चाहिए, द्वापर, द्वापर का अधिकार भी तो होना चाहिए। ये साधन विज्ञान है, यहाँ पर जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति का साधन उसके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। अब आए कलयुग जनाब, कलयुग की स्थिति क्या है, बोलते हैं कलयुग केवल, केवल शब्द लगा दिया, द्वापर में पहले बोल चुके हैं उपाय ने दूजा, है द्वापर में तो भगवान की पूजा ही उपाय है, पूजा दिशु अनुराग ही थी, इति क्या
इति पाराशर्य। अब भक्ति सूत्र में यह सूत्र आता है, हम देखो ये कलयुग की क्या स्थिति है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जीवन कलयुग में है और साधना बनाई ध्यान को, साधना बनाई यज्ञ को, साधना बनाई पूजा को, नहीं। क्या बोल रहे हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भगवान के गुणों का गायन करना। इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके एक दो पद सुबह उठ के अगर भाव बन जाए तो गा लें, फिर दिन शुरू करें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाह। अगर कोई ऐसा अभ्यास करने लगे तो थाह, थाह समझते हो ना, ये हमारा देहाती शब्द है, गंगा जी में जब तैरते तैरते हैं ऐसे, तो गंगा जी के को पार करने का हमने कभी दुस्साहस नहीं किया, तैरते थे लेकिन कभी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी भी है, काशी की ओर आगे हैं तो यमुना जी भी मिली हुई है उनमें, तो इसलिए तो वो तो बहुत विकराल। लेकिन अगर कोई तैर रहा हो और वो पैर नीचे टिकाने की कोशिश करता है तो पैर टिकता ही नहीं, तो जिस समय उसका पैर जमीन से लग जाए तो बोलते हैं अब था मिल गई, अब मैं पार हो जाऊंगा। इसी तरह से भाव सागर में तैरते 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 जिस क्षण पैर लग जाए, देखो कैसा वाक्य है ये, क्या बोलते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव था। ये गंगा जी वाला था नहीं है, भव था, ये भवसागर में उसका पैर मानो जमीन से लग गया, अब वो थोड़ा पैदल भी जोर लगा के पार हो सकता है। इसलिए इसलिए कलयुग जोग न यज्ञ, अब देखो ऐसे दो बार बोलेंगे, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज। देखो बोला माने बाकी भरोसे और बाकी साधनों में विश्वास समझ करके उसको छोड़ करके, सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भव तर। माने कलयुग में भी साधक का उद्धार जरूर हो जाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलिमाही। तो चारों युगों का तो प्रभाव बता दिया गोस्वामी जी ने, कलयुग का, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग, सत्ययुग का, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का। अब एक बहुत बढ़िया, बहुत सूक्ष्म बात कही है, रेयरली मिलती है ये, क्या बोलते हैं, ध्यान दें, बोलते हैं नित युग, 103 दोहे के बाद की पंक्ति है, चाहे अंडरलाइन भी कर लेना इसको, नित युग धर्म हो ही सब केरे। तो एक समष्टि में चारों युग होते हैं और एक व्यष्टि में चारों युग होते हैं, इस रहस्य को पकड़ना है। और ये इतनी बढ़िया साधन प्रक्रिया आ गई सामने कि समष्टि में अगर मानो कलयुग चल रहा है तब भी कोई साधक है
हाँ, कोई पवित्र निर्मल जीवन का व्यक्ति है, ठीक है, ज्ञानी विज्ञानी, उसके जीवन में ज्ञान विज्ञान तो उच्छलित हुआ है, तो समष्टि में कलयुग होने पर भी निजी जीवन में वो सत्ययुग में हो सकता है। बस ये बहुत बड़ी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि समष्टि में अगर कलयुग है तो हर जगह कलयुग ही होगा, ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि समष्टि में त्रेता हो और मैं कलयुग में हूँ। भाई अगर त्रेता में रावण था, कब था वो, कब था त्रेता में, कैसा था, कुंभकर्ण था, एक से एक थे, ऐसे थे महाराज कि अगर उस समय आप लोग होते तो एक दिन का ब्रेकफास्ट आप ही बन जाते, ब्रह्मचारी लोग। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऋषियों को ही खाता था, खाता था ना, तो कितने हैं अभी आप सोच लो। भगवान राम जब गए जंगल में तो पूछा उन्होंने कि ये पहाड़ जैसा क्या है, तो ऋषियों ने बताया कि ये राक्षसों ने तो संतों का भोजन करके हड्डियां पड़ी हैं। यह बात जब सुनी प्रभु राम ने तब प्रतिज्ञा करी। हाँ, वो तो बोल लेता है, तो तुम लोगों को बोलना चाहिए, निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन। वो तब कहा उन्होंने, आप लोग गूंगे भरे का समाचार थोड़ो, आप लोगों को भी बिल्कुल बोलने आना चाहिए। तो देखो भला वो कौन सा युग था, कलयुग नहीं था, द्वापर भी नहीं था, त्रेता में ऐसे लोग थे। इसलिए समष्टि का प्रभाव निश्चित रूप से व्यष्टि पर भी पड़े, ये नियम यहाँ खंडित हो गया। ये हमारे लिए मुक्ति का द्वार बनता है। अगर समष्टि में कलयुग है तब भी कोई व्यक्ति, कोई संत, कोई रैदास, कोई तुलसी, कोई सूर, कोई नानक, बहुत संत हुए इस देश में, वो इसी कलयुग में हुए, लेकिन वो कलयुग में नहीं थे, ये ध्यान रखना। समष्टि में कलयुग चल रहा था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ऐसे लोग अपनी निष्ठा में रह सकते हैं, और अगर कोई फिर अपनी निष्ठा में गड़बड़ है तो वो चॉइस जहाँ बैठा हो वो गड़बड़ ही रहेगा फिर। कलयुग उसको सात्विक नहीं बना सकता, और सत्ययुग भी उसको सात्विक नहीं बना सकता। नारायण, बस ये है। तो अब बोलते हैं नित युग, ये महीन पंक्ति है, नित युग हो ही धर्म सब के रे, नित रोज होते हैं, हमारी जैसी चित्ति की स्थिति होती है। अगर हमारी स्थिति किसी समय सात्विक है तो समझ लीजिए उस समय मैं सत्ययुग में हूँ। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होगा कि मैं कितनी देर तक सत्व गुण में रहता हूँ और कितनी जल्दी रजोगुण में जाता हूँ,
कितनी जल्दी तमोगुण में जाता हूँ, और जाता हूँ तो कितनी जल्दी वापस आता हूँ। भगवान तो कुछ ऐसा बोलते हैं, आप सभी लोग ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, दुस्साहस नहीं करूँगा। भगवान की तो इच्छा यह है कि साधक को नित्य सात्विक होना चाहिए, 24 घंटे निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान, बोला है ना, नित्य सत्वस्थ। यहाँ कुछ लोग तो हैं जो गीता से अब परिचित हैं, सबका मैं नहीं जानता, तो उन्होंने तो कहा नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ भव, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम। ये देखो तो नित्य सत्वस्थ हो सकता है, ध्यान रखना, जो चीज नहीं हो सकती वो विधेय नहीं होती, विधेय माने उसका उपदेश नहीं किया जा सकता, थोड़ा शास्त्रीय भाषा है। जो शक्य है वही विधेय होती है, जो शक्य नहीं है वो विधेय भी नहीं होता, माने उसका उपदेश नहीं किया जाता। आपसे कहा जाए आप भोजन मत करना कभी, अब हो गया काम, ठीक है ना। तो ये नित्य सत्वस्थ अगर भगवान बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये संभव है। जब व्यक्ति काम करता है, रजोगुण का काम करता है, उस समय भी वो सत्व की छाया में कर सकता है, सात्विक रहते हुए कर्मठ हो सकता है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि नींद भी सात्विक होती है। जिस नींद से उठने के बाद प्रभु की स्मृति आवे और ध्यान करने का मन लगे, ध्यान करने का मन हो, उस नींद को तामसिक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो नित्य सत्वस्थ, अब इस नियम में चाहे वो कलयुग हो, तब भी चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो सत्ययुग हो, भगवान कब थे? द्वापर में। और बात क्या कर रहे हैं? नित्य सत्वस्थ। देखो हमने एक जगह कहीं दृष्टांत दिया था समझने के लिए कि कई बार मान लो समष्टि जगत में बहुत गर्मी है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ऐसी व्यवस्था लोग बना लेते हैं कि कमरे में ठंडा होता है, होता है ना, और ठंडा इतना भी होता है कि अगर बेड पे हैं तो एक हल्की रजाई भी पैर पर रखी रहती है। अब बोलो गर्मी है कि सर्दी? तो ऐसा बोलना चाहिए समष्टि में गर्मी है लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपको ये प्रिविलेज है कि आप सर्दी में रह सकते हो। तो इसलिए समष्टि में अगर कलयुग भी है तब भी ये प्रिविलेज है, ये मनुष्य के पास अवसर है कि वो उस समय भी वो सत्ययुग में रह सकता है, अभी भी रह सकता है। बना यही बताने के लिए कहा गोस्वामी जी ने बताया, कोई कलयुग बताने के लिए नहीं बता रहे हैं, अवसर कितना है ये बताने के लिए ये चर्चा छेड़ी।
इसलिए जितना संभव हो सत्व गुण का विस्तार होना चाहिए। माने अगर ध्यान हो गया तो फिर पूजा हो गई, फिर कहो थोड़ा जप हो गया, फिर थोड़ा कीर्तन हो गया। चाहे आदमी और उसमें सामर्थ्य हो तो वो फिर पूरा समय ऐसा हो सकता है। भगवान से कहा गया कि युद्ध करते समय कैसे रहें, क्या कहा उन्होंने, माम अनुस्मर युद्ध च, आपकी स्मृति में अगर हो तो क्या बोल रहे हैं, युद्ध भी सात्विक हो सकता है लेकिन पीछे उसके क्या हो, माम अनुस्मर। इसलिए कलयुग, त्रेता, द्वापर, सत्ययुग ये हमारे लिए अनिवार्य बंधक नहीं है, ये नियम निकल आया। अब हमारे ऊपर है कि हम किस युग में रहना चाहते हैं, अब हमारे ऊपर है। बुद्धि में खुराफात है तो उसी युग में रहोगे, हाँ? कहीं थोड़ा अभिमान जगा हुआ है तो फिर उसी युग में रहना होगा। नारायण, ये तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ रहना चाहते हो। अवसर तो भगवान ने पूरा का पूरा दे रखा है, ये पंक्तियां इसी के लिए हैं। नित युग धर्म हो सब केरे हृदय राम, माया राम की माया, हाँ हृदय राम माया के, राम माया एक शब्द बना लेना, हृदय राम माया के प्रेरे। अब बताते हैं कब आप व्यक्तिगत जीवन में, कब आप सत्ययुग में हो, लक्षण क्या है, पहचान क्या है। बोल रहे हैं शुद्ध सत्व, क्या पवित्र चित्त भूमि है। प्रभु बोलते हैं शुद्ध सत्व, हम यहाँ विस्तार नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा संकेत करता हूँ, शुद्ध सत्व समता, चित्त में विषमता न हो। विषमता माने, विषमता माने यहाँ कोई बोलने की अभी सामर्थ्य नहीं आई लोगों में, समता माने विषमता न हो, समता का उल्टा करके अर्थ कर लो। विषमता माने पक्षपात, विषमता का ही अर्थ होता है। चित्त में विषमता, विषम कब होता है व्यक्ति, जब अपना पराया, उनका इनका, ये उसका तराजू खराब हो जाए। विषमता माने क्या, उसका तराजू, वो तो क्या बोलते हैं जब वो आदमी थोड़ा टेढ़ा करके तोलता है तो तराजू तो फिर भी ठीक लेकिन उसके नीचे कुछ उसने लगा रखा है तो ऊट पटांग तोलता रहता है, वो सत्ययुग से गया है। हाँ, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, बुद्धि अत्यंत तेजस्वी, तत्वावगाहिनी प्रज्ञा है, मर्मस्पर्शिनी प्रज्ञा है, एकदम भीतर चली जाती है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कौन सा युग है, कृत, कृत माने सत्ययुग, हाँ। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, अगर सत्ययुग में जीवन है, हमारी स्थिति है, तो जीवन में समता सिद्ध होगी, सत्व गुण सिद्ध होगा,
बुद्धि में ज्ञान विज्ञान प्रखर होंगे और मन की स्थिति क्या होगी? बोले मन प्रसन्न होगा। ऐसा तो हमारा नहीं होता, तो नहीं होता तो सीधी बात है कि फिर हम सत्ययुग में नहीं हैं। अब क्या इसमें, अब बोलने में संकोच क्या? नहीं नहीं हमारे साथ इतने 10 लोग 20 लोग 50 लोग हमें कहते हैं आप बड़े सात्विक हो। भैया अनजान 1000 लोग पीछे चले तो उनके कहने का कोई मतलब नहीं होता। आपका स्वयं अनुभव क्या है? शुद्ध सत्व पहला ग्रंथ पर नजर, समता विज्ञान कृत प्रभाव। अगर सच में सत्ययुग प्रभावशाली हो गया है तो कृत प्रभाव उसका सीधा सीधा फल है प्रसन्न मन। इससे बढ़िया क्या फल चाहिए? कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अच्छा वहां से थोड़े स्खलित हुए नीचे आए तो त्रेता की स्थिति को कैसे पहचाने? बोलते हैं सत्व बहुत, सत्व गुण बहुत है, सत्व बहुत रज कछु और थोड़ा रजोगुण भी आ गया। सत्ययुग में रजोगुण नहीं था लेकिन अब त्रेता में थोड़ा रजोगुण भी आ गया। सत्व बहुत रज कछु, अब रजोगुण आ गया तो कर्म की ओर जरा सा धकेलेगा। तो सत्व बहुत ये पंक्तियां हैं, ये ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, ये सीखने के लिए हैं। सत्व बहुत रज कछु, अब चूंकि रजोगुण आ गया तो रति कर्मा, तो कर्म में थोड़ी रति होगी। रति होगी माने कर्म करने से संतोष का अनुभव होगा, ध्यान देना। और अगर कर्म नहीं किया जाए तो आई मे नॉट फील सेटिस्फाइड। तो वही मेरा अधिकार है, ये नहीं कहना कि मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं, जिद करके कोई नहीं जाता। अपने अधिकार के अनुसार ही वो अगर साधन करे तो उसकी उन्नति होनी है। क्या बोल रहे हैं? रति कर्मा, थोड़ा कर्म से संतोष होता है, कुछ कर लेता है, दिन भर में कुछ नहीं किया तो मन उदास हो जाता है और थोड़ा कुछ कर लिया तो लगता है सार्थक हो गया, हमने कुछ किया, ठीक है ना? ये स्थिति बनेगी त्रेता की। सत्व बहुत रजक रजक कछु रति कर्मा। तो अब चूंकि सत्व गुण से प्रभावित रजोगुण है और सत्व गुण से प्रभावित कर्म है तो कर्म कैसा होगा? कर्म कैसा होगा? सत्कर्म। ध्यान, अगर सत्व से प्रभावित कर्म हो रहा है तो वो कभी दुष्कर्म नहीं होगा। क्या बनेगा? हाँ सत्कर्म होगा। तो सत्कर्म का फल बाहर आएगा और अंतःकरण की पवित्रता भीतर है, बना? तो फल भी अच्छा बाहर, माने बाहर भी एक ऐश्वर्य है। तो फल क्या बता रहे हैं? सब विधि सुख, पंक्ति पे रहे, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। कलि सत्ययुग के लिए नहीं कहा कि सब विधि सुख, वहां तो सनत कुमार जैसे अपने भीतर ही इतने पवित्र हैं बाहर देखते ही नहीं,
लेकिन त्रेता की स्थिति अलग है। त्रेता में चूंकि थोड़ा रजोगुण का प्रभाव होने से सत्कर्म हो रहा है, इसलिए बाहर भी ऐश्वर्य है, बाहर भी सफलता है, बाहर भी एक बहुत अनुकूल परिस्थिति है। यह त्रेता है। अब हमें तय करना है कि हमें त्रेता में रहना है, क्योंकि वो चॉइस है। और साथ में लिखा सब विधि सुख, किसका धर्म है ये? त्रेता कर धर्मा, ये पंक्ति आई। अब आया द्वापर। द्वापर का लक्षण क्या? बहु रज। अब सत्वगुण नीचे चला गया, क्या लिख रहे हैं? बहु रज, स्वल्प सत्व। रजोगुण बढ़ गया, सत्वगुण कम हो गया। बहुरज स्वल्प सत्व और थोड़ा तामस भी प्रकट हो गया। कछु तामस। देखो कलयुग में तो रजस का भी नाम नहीं, सत्ययुग में तो रजस का भी नाम नहीं था, त्रेता में रजस का नाम आया लेकिन तामस का नाम नहीं था। लेकिन अब द्वापर में रजोगुण ऊपर गया, सत्वगुण नीचे गया और थोड़ा तामस भी आ गया, तो उसका फल क्या है? हर्ष विषाद। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। ऊपर से देखो जरा, कृत प्रभाव, जब सत्ययुग था तब मन प्रसन्न जाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, और त्रेता में है सब विधि सुख, केवल भीतर ही भीतर नहीं बाहर भी। इसको बोलते हैं अध्यात्म विज्ञान। अब द्वापर में कहते हैं कभी हर्ष होगा और कभी भय भी लगेगा। द्वापर हर्ष, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। कोई अनुकूल घटना घट गई, परिस्थिति आ गई, तो आनंद नहीं होगा, क्या होगा? हर्ष होगा। ये ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छा है। द्वापर में द्वापर में आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं, हर्ष। हर्ष रजोगुणी वृत्ति होती है। हर्ष को तो हमारे अध्यात्म शास्त्र में अच्छा मानते नहीं है ना? तो कैसे पंक्ति भाई गीता जी में करण साहब? अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? बोले आप अचानक पूछते हो। नहीं, नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं। हम मनुस्मृति कोट करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया हर्ष वांछित नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों? बोलते हैं हृष्टो दृप्यति। हर्ष क्या करता है? मन में एक गर्व की भावना लेके आता है। ये है हर्ष का फल, ये हृष्टो दृप्यति। उसको दर्प होता है। आपको मालूम है दर्प कहाँ से बना? दर्प से ही दर्पण बना है। जब आप अपना चेहरा देखते हो ठीक ही ठाक होता है, इसके बावजूद कुछ न कुछ फिर सुधारते हैं, और इसके बाद फिर क्या वृत्ति बोलते हैं? हाँ अब ठीक है, अब ठीक। तो ये है
हर्ष शोकान्वित करता बोल सकते थे, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन आप ये बताते रहते हो कि ज़्यादा उम्मीद न किया करो, यही है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो हर्ष को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हर्ष में गर्व शामिल होता है, और गर्व से आदमी, मनु महाराज लिखते हैं, हृष्टो दृप्यति दृप्तः धर्मम अतिक्रामति। जब एक बार दर्प हो जाता है तो दर्प से युक्त व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण करता है। कैसे अतिक्रमण करता है? लोग बोलते हैं, नहीं नहीं आज चलेगा, आज क्या चलेगा और क्यों चलेगा, नहीं आज चलेगा, आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है इसलिए आज चलेगा। क्या चलेगा बोलो? जो रोज नहीं चलता, यही ना। जो नॉर्मली नहीं चलता वो आज चलेगा, क्यों भाई? मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा नहीं, आज खुश हूं। इसलिए हर्ष को कोई बहुत अच्छी वृत्ति हमारे यहां नहीं माना जाता, उसमें एक एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, तो वो तो चित्त को इधर से उधर ले ही जाएगी, नॉट डिजायरेबल। लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट हमारे यहाँ तो उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ये द्वापर की स्थिति है। द्वापर धर्म हर्ष, दो ही चीज गिनी खास तौर से, एक हर्ष, ये तो आया हर्ष वाला, और फिर डर भी लगेगा कि अरे यार ये इतना कुछ देख लिया लोगों ने, कहीं रेड न पड़ जाए। ठीक है, भय भी लगता है, दो किनारे बन जाते हैं, त्रेता में सब विधि सुख और द्वापर में हर्ष भय, हर्ष भय। फिर से याद दिलाता हूं, ये तीनों धर्म व्यक्तिगत जीवन में होते हैं, ध्यान रहे, समष्टि में भी होते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी होते हैं। अब आया तामस, मुझे कब समझना चाहिए कि मेरे जीवन में तमोगुण प्रधान है? दूसरा बतावे और हम समझे, माने न माने तो फिर क्या होगा, कोई फायदा नहीं। शास्त्र ने बोला है उसके आधार पे हमको समझना है। क्या बोलते हैं? तामस बहुत, ये है, तमोगुण बहुत हो जाए, तामस बहुत और थोड़ा रजोगुण, रजोगुण थोड़ा, और सत्वगुण बोले वो नगण्य है, वो गिनने लायक भी नहीं है, इसलिए दो ही गुणों की बात करी, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। मैं कैसे जानूं कि मैं तमोगुण में हूं? नहीं, दुनिया ही गलत है। हम लोगों का तरीका क्या होता है? पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, दुनिया गलत है, वो गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। अरे भैया, आप खुद रियलाइज करो आप कौन हो। बोलते हैं कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, बस इस लक्षण को पकड़ लेना है। कलयुग का प्रभाव जब हमारे जीवन में बढ़ जाता है तो हर जगह हमें विरोध ही देखने को मिलता है, और ऊपर से सोने में सुहागा ये है कि विरोध देखने को मिलता है और वही दोषी है, मैं हमेशा सही,
तो उस पर डबल और फिर अगली बार और डबल, तो मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे ही यह स्थिति जीवन में आवे, समझ लेना चाहिए कि अब हमें खतरे की घंटी बज गई है, अब हमें कोशिश करके कम से कम द्वापर की ओर बढ़ना चाहिए। बोले नहीं, मैं तो सत्युग एकदम से सत्युग में जाऊंगा, ये नहीं होता भैया, आपके कहने से थोड़ा होता है। पहले कहीं आप द्वापर में सरक जाओ तो बहुत बड़ी बात है। चाल चलन ऐसा हो जाए कि आदमी कहीं द्वापर तक तो पहुंच जाए। हालांकि वो भी कोई बहुत सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि हरस भय मानस कोई बहुत अच्छी जगह तो नहीं है। आनंद का उल्लेख नहीं किया गया वहां पर, वहां पर हर्ष का उल्लेख किया गया, आनंद का उल्लेख नहीं हुआ। तो त्रेता तक तो जरूर पहुंचना है। इसी शरीर में रहते हुए जितना जल्दी हो सके समष्टि युग के परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। क्या बोल रहे हैं? तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चंगोरा। अब देखो, बुद्ध शब्द लिखते हैं, बुद्ध माने समझदार लोग, ज्ञानी लोग। बुद्ध युग धर्म जानी, पंक्ति ध्यान दें, बहुत ध्यान दें। बुद्ध युग धर्म जानी, जानी मन माही। ये युग धर्म बाहर जान लेने से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। जानी मन माही, व्यक्तिगत जीवन में मेरी क्या स्थिति है इसको ठीक से समझ लेना है। बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञानी लोग, समझदार लोग। बुद्ध युग धर्म बिना शोर मचाए अंदर अंदर समझ लेना। बुद्ध युग धर्म जानी मन माही तज अधर्म। तो अब करना क्या है? अधर्म से बच बच के निकलना है। तजी अधर्म रति धर्म कराही, और धर्म में रति बढ़ानी चाहिए। वादा है, काकभूषुंडी जी वचन देते हैं, काल धर्म नहीं व्यापही ताही। चाहे बाहर कोई भी योग चलता हो, लेकिन काल का धर्म उस मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति बनी रहती है। रघुपति चरण प्रीति अति जाही। बस ये एक विज्ञान दिया, अध्यात्म विज्ञान है ये। पहले चारों युग का वर्णन किया, फिर उस चारों युग में व्यष्टि जीवन में कितने सुनहरे अवसर हैं हमारे जीवन में, इसको ये बात हमको पकड़ लेनी चाहिए। इस प्रकरण में तो इस कलयुग में वो साधक वाला मेरा पहला जन्म हुआ था। अब हम कनेक्ट करते हैं प्रथम जन्म के चरित। अब ये तो ये था कलयुग समष्टि में, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में एक थोड़ा सा मेरे जीवन में साधना का आरंभ हो गया था, तो ते ही कलयुग ये लिखते हैं। उसी कलयुग में मेरा जन्म हुआ और मेरी हालत अजीबोगरीब थी। कैसी स्थिति थी बोलते हैं, गयों उज्जैनी, उज्जैनी गया, मैंने उज्जैन,
अवंतिकापुर। गयम उज्जैनी सुनुर गारी, वहाँ गया, क्या हालत थी? दीन मलीन, 104 दोहा है, दीन मलीन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, कुछ संपत्ति मिली, तह पुनि करहूं, बस इतना ही प्लस था मेरे जीवन में, बाकी सब माइनस। अब देखो ना, दीन मलीन दरिद्र दुखारी हालत ये है। जीवन में थोड़ी सी रोशनी क्या है, तह पुनि करहूं शंभु सेवकाई, बस इतना सा, बस कुछ अगर अच्छा कहने लायक था तो बस इतना ही था। हाँ, वहाँ तो एक बहुत पवित्र विप्रदेव का दर्शन हुआ। वो कैसे थे? विप्र एक, हम समझते हैं कि रामचरितमानस का एक आदर्श साधु कैसा होता है, वो यहीं लिखा है, आप लोग देखो जितना जो ध्यान देना चाहे। ही द आइडियल ऑफ रामचरितमानस। हाँ, क्या बोलते हैं? विप्र एक वैदिक, ये मनमाना नहीं, अवैदिक नहीं, विप्र एक वैदिक, वेद सम्मत सोच है और वेद सम्मत व्यवहार है। मनमानी करके नहीं चलना चाहता। हाँ, ना ना, विप्र एक वैदिक। क्या करते थे? शिव पूजा करई सदा। ये जो विप्रदेव हैं, आधे घंटे पूजा नहीं करते थे। क्या लिखते हैं? शिव पूजा करई सदा, शिव जी की निरंतर पूजा करते थे। बोले और कोई काम? क्या बोलते हैं? ते ही काजु न दूजा। तो कर्माशक्ति बिल्कुल है ही नहीं, कर्तृत्वाशक्ति है ही नहीं, भोक्तृत्वाशक्ति भी है ही नहीं, बस ये है। विप्र एक वैदिक, क्या बढ़िया है। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा, ते ही काज न दूजा। उसको कोई और काम नहीं। ये है निवृत्ति परायण संत। निवृत्ति जिसके जीवन में सिद्ध हो गई है, ठीक है, कर्माश्रय है ही नहीं। हम कोई कर्म पर उपकार करने के लिए कर्म नहीं करते, कर्म से कुछ चाहते हैं इसलिए कर्म करते हैं, ठीक है, कर्म से कुछ चाहते हैं, और कई बार तो जिसके हम अधिकारी नहीं हैं वो भी चाहते हैं। ये है, और इसलिए कभी कभी कर्म करते हैं लेकिन उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि उससे चाहते हैं। निवृत्ति सबके जीवन में सिद्ध नहीं होती, लेकिन मानस का जो ये संत है, बिल्कुल सिद्ध निवृत्ति है। विप्र एक वैदिक, पहली उपाधि है ये, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा, तेही काजन दूजा। जीवन कैसा है? परम साधु। देखो, साधुता खिली हुई है, परम साधु, ज्ञान परमार्थ विंदक, परमार्थ का ज्ञान चमकता है उसकी बुद्धि में,
जीवन में साधुता है, रहनी में साधुता है, चाल चलन बोलन उसमें साधुता है, और बुद्धि में परमार्थ का ज्ञान चमकता है। इसलिए मैंने कहा रामचरितमानस का ये एक आदर्श है। परम साधु परमार्थ बिंदक शंभु उपासक, उनके आराध्य थे भगवान शंकर, लेकिन किसी और की निंदा नहीं करते थे। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, यह आदर्श है रामचरितमानस का। ऐसा सद्गुरु है, और इसी सद्गुरु की शरण में काकभुसुंडी जी जाते हैं, लेकिन काकभुसुंडी जी इस लायक वैसे हुए नहीं हैं, तो कल हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गंगे हर हर महादेव शंभो। विप्रेक वैदिक शिवको